राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपकी एक्स्ट्रो आपको बताने आई है आपकी जिस तरह से प्रकृति से संबंधित कुछ ऐसे उपाय जो आपको प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसी चीज जो आप अच्छी तरह उससे अवगत हैं पर अनजान हैं, उसे किस तरह से इस्तेमाल करके आप हर परेशानियों से निजात पा सकते हैं, उसका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। श्री हरि विष्णु जी की ही तरफ से आपको यह प्राप्त होती है। जी हाँ, गोमती चक्र। गोमती चक्र के बारे में आप सब अच्छी तरह से अवगत होंगे, पर उसे किस तरह से हम अपने जीवन में इस्तेमाल करके उसको हर तरह से हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हर परेशानी से निजात पा सकते हैं, तो चलिए आज आपकी एक्स्ट्रो आपको इसी के बारे में बताने आई है। पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, मैं आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार, मैं नंबरोलॉजर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, रेडवुड एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको कभी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे सलाह कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी जानकारी मैं जो आप तक पहुंचाती हूँ उसे आप अपने फ्रेंड फैमिली तक भी पहुंचाइए, ताकि और तक भी इसकी जानकारी पहुंचकर वो भी अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से निजात पा सके। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि गोमती चक्र को किस तरह से आप इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की हर परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, गोमती चक्र के इतने अचूक इतने उपाय हैं, अनगिनत ऐसे उपाय हैं, शायद आप उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। पर सबसे पहले मैं बात करूंगी बच्चों से। जी हाँ, जैसा कि हर वक्त हर माँ को यही चिंता सताती है कि मेरे बच्चों को नजर लग जाती है, मेरे बच्चों को हर वक्त कभी पढ़ाई करते हैं अच्छे नंबरों से पास होते तो नजर लग जाती है, या मेरे बच्चों को अगर आप माँ अगर बच्चों को छोटी छोटी बातों पे वो नजर लग जाती है, आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को चांदी में गोमती चक्र मंडवा कर आपको यह शनिवार के दिन, जी हाँ शनिवार के दिन अपने बच्चे के गले में पहना देना चाहिए। इससे आपके बच्चों को नजर नहीं लगती, आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आपके बच्चा जो चिड़चिड़े रहते हैं या हर वक्त रोते रहते हैं तो वह भी आपके बच्चे ठीक रहते हैं। अगर किसी के बच्चे अपने करियर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, पढ़ाई काफी करते हैं, काफी अपनी तरफ से अपने करियर की तरफ सीरियसली है, पर क्या उनका लक उनका साथ नहीं देता, या कई वजह से पढ़ाई तो कर लेते हैं पर नौकरी लगने में उनको दिक्कत आ रही है, तो क्या करना चाहिए? उनको 11 गोमती चक्र, जी हाँ उन बच्चों को 11 गोमती चक्र लेकर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे उनको ये दबा के आने चाहिए, उस पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर और उन्हें पानी से सींचना चाहिए। ये कार्य लगभग आपको 11 गुरुवार तक आपको करने चाहिए। अगर आपके घर के नजदीक कोई मंदिर है, वहां पे केले का वृक्ष है, तो आपको बहुत इजी रहेगा, ताकि आप उसको आराम से सींच सके। आपको बृहस्पतिवार के ही बृहस्पतिवार आप उसमें पानी डाल के आना चाहिए और हरि विष्णु जी का ध्यान करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका करियर सेट हो, या आप जहाँ नौकरी करते हैं तो वहां पे आप अपने नौकरी को कर सके, एक जगह अपने मन को लगा सके। अगर आपका मन डिस्टर्ब रहता है, नौकरी में ध्यान नहीं लगता या मन भटकता है कि इससे भी अच्छी नौकरी मिले, तो वो आपकी समस्या भी दूर हो, आपको आपके मन के मुताबिक आपको नौकरी मिले या आपका जो भी आपका करियर में आप चाहते हैं वो आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। दूसरा, अगर आपके व्यवसाय में या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो से आपके सहकर्मी हैं या आपके जो अंडर में काम करते हैं वह बार बार आपका कार्यस्थल छोड़कर चले जाते हैं या किसी वजह से आपसे नाराज हो जाते हैं, तो आप उसकी वजह से डिस्टर्ब रहते हैं कि अपनी सहकर्मियों के साथ किस तरह से आप अपना कार्य कर सके और उनको खुश कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके कार्यस्थल में कोई इस तरह से नकारात्मकता अगर है तो वह भी दूर हो और आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको 5 गोमती चक्र, जी हाँ 5 गोमती चक्र लेकर लाल कपड़े में बांधकर आपको उसमें थोड़े चावल और थोड़ी लाल कुमकुम डालकर लाल कपड़े में ही 5 गोमती चक्र शुक्रवार के दिन 12:30 बजे के करीब आपको नॉर्थ दिशा में बांध देना चाहिए, टांग देने चाहिए, कील लगाकर टांग देने चाहिए। इस तरह से आपके जो से आपके सहकर्मी हैं
जो आपके साथ जो काम करते हैं वे आपके अनुकूल होंगे, उनमें आपके और आप में और उनमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपके कार्य में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, विवाह बाधा आ रही है या गृहस्थ जीवन में बाधाएं आ रही हैं या गृहस्थ जीवन में आपके नकारात्मकता की वजह से आपके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है या आपके गृहस्थ जीवन में कलह क्लेश रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 11 गोमती चक्र लेकर गुड़ के पानी में डालकर उसे अपने परिवार में, अपने घर पर, अपने घर के सदस्यों पर, सब पर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर आपको किसी चौराहे में जाकर डाल देने चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में प्यार बढ़ेगा और आपके घर की जो भी किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वह भी आपकी दूर होंगी। और साथ ही अगर आपके व्यवसाय में अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, किसी वजह से आपका काम नहीं चल रहा या ऑनलाइन आपका काम चलते चलते बंद हो गया है या किसी की कोई ऐसी परेशानी आ गई है कि आपका अच्छा खासा काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, पर किसी वजह से एकदम से वह ठप हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 5 गोमती चक्र लेकर शनिवार के दिन आपको वह पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाने चाहिए और उनसे अपना हो सके तो वहाँ पे हाथ जोड़कर प्रणाम करते अपने घर की तरफ आ जाने चाहिए। बस इतना से कार्य आपको लगातार 11 शनिवार ये कार्य करना है। इससे आपके जो ऑनलाइन काम आपका चल रहा था एकदम से बंद हो गया या किसी वजह से परेशानी हो रही है वह भी आपकी दूर होगी और आपका कार्य में आपको वृद्धि के योग बनेंगे। तो ये था गोमती चक्र के कुछ छोटे से उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप सरलता से कर सकते हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जिसे आप करके अपनी हर परेशानी को निजात पा सकते हैं। गोमती चक्र आसानी से आपको हर जगह से अवेलेबल हो जाते हैं, पूजा जहाँ से पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से आप आसानी से ले सकते हैं और इससे आपको प्रकृति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसी के साथ अगर ये उपाय कीजिए और अपनी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से निजात पाइए। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्स्ट्रो कुछ अशुभ कुछ अनोखा आपके लिए लेकर आएगी। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे।